इस प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात सिंगापुर में होगी। मैं समझी नहीं। मेरी वाइफ ने भी वर्ल्ड स्टॉप कुक प्रतियोगिता में भाग लिया है। मैं जयंत ब्रिटेन से हूं, एनआरआई हूं। यहां अपनी पत्नी की जीत के लिए दुआ मांगने आया था, आज मेरे ख्वाजा साहब की दरगाह पर, तो सोचा जाते जाते पुष्कर भी हो लो। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने पत्नी से। जी, जितना आपकी पत्नी आपसे। तो नहीं कहा होता होगा। मोहित, कब आया तू? अभी आया पापा। तेरा थोड़ा पहले आ जाता तो सूरज संध्या को कपूरतर के लिए बाहर को नहीं जाना पड़ता। मुझे पता नहीं था पापा साहब। बाबू, वो शर्ट का बटन लग गया हो तो दे दे। हाँ, हो गया। लो, आ गए दोनों। नाम दाखिल कर दिया ना बिंदनी? हाँ बाबा साहब, सूरज जी का नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया। अब पहले दौर के लिए कल ही दिल्ली के लिए निकलना होगा, वही अंतिम प्रतियोगी चले जाएंगे। कल ही निकलना होगा? हाँ बाबू। क्या हुआ बाबू? सच में मीनूड़ी, थारे पे वारी जाऊं मैं गुड़ खा के। दुनिया देखी पर थारी जैसी नौटंकी किसी ने ना देखी होगी। वो बेचारी डॉक्टरनी को तो समझ ही को नहीं आया कि कैसे मैं उसे झांसे में ले रही थी। अब तो बस आराम ही आराम है। मारे को तो यकीन ही को नहीं हो रहा कि मैंने सुबह से नीचे पाँव ना रखा। अरे बाबू ने ना रखने दिया मारे को। बस अब तो ये फल फ्रूट खाओ और आनंद ही आनंद पाओ। अब तो मारा कमरा होगा स्वर्ग जैसा और मैं होंगी स्वर्ग की वासी। अरे मरी रे, आज तो दुकान पे वो अग्रवाल की सटानी आने वाली थी ना साड़ियां लेने। मोटी पालटी है, छोड़ियो मत। चल बंठन के तैयार हो जा, सटानियों को चूना भी तो लगाना है। अरे वाह संध्या जी, आपने तो तैयारी भी शुरू कर दी। कितनी तरक्की कर ली ना दुनिया ने। कैसे आपने 5 मिनट में यहाँ से विदेश फॉर्म भर के भेज दिया, और मानो जैसे आपने यहाँ पे किसी देवता के हाथ में चिट्ठी दी और वो फुर्र से उड़ा और वहां के किसी देवता के हाथ में जाके पकड़ा दिया। और देखो ना, दिल्ली से बुलावा भी आ गया, कल ही जाना है। क्या ना कि अभी तो अच्छी तरह से मन का हौसला भी नहीं बना। सूरज जी, बन जाएगा हौसला भी। वैसे मैं तो सामान लगा ही रही हूँ, आप भी एक बार देख लीजिए कि आपको क्या क्या लेकर जाना। ये साड़ियाँ क्यों नहीं निकाल रही हैं अपनी? सूरज जी, दिल्ली में बहुत गर्मी होगी इसलिए मैंने आपका सारे सूती और मुलायम कपड़े रखे हैं। और आपका तौलिया, आपका रुमाल, और हाँ आपका दाढ़ी बनाने का सामान रह गया, मैं पहले वो ले आती हूँ वरना भूल जाऊंगी। मतलब संध्या जी, आप क्या बार बार आपका सामान, मतलब मैं दिल्ली अकेले जाऊंगा क्या? हाँ। लड्डू और चिवड़ा भी डाल देती हूँ, ये पता पढ़ंग का खाना मिले या ना मिले। हाँ संतोष, कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ अरे भाबो, क्यों इतना चिंता कर रही है? ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, भैया को बढ़िया बड़े आलीशान होटल में ठहराएंगे, अच्छा खाना भी मिलेगा उन्हें। वैसे भावो, तूने बहुत बढ़िया काम किया जो भैया को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाज़त दे दी। जीते या ना जीते, लेकिन दूसरे के खर्चे पे घूमना फिरना तो हो ही जाएगा उनका। क्यों चवि? हाँ भैया, पर ना सूरज भैया तो कभी राजस्थान के बाहर तक नहीं गए, इतना अच्छा मौका मिला है और क्या चाहिए। और हाँ पता है क्या, मैंने ना एक लिस्ट तैयार करके रखी है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, सब मंगवा लूंगी मैं। ये अच्छा याद दिलाया तूने, मैं भी सूरज भैया को बोल दूंगा कि नई महंगी वाली 4-5 जीन्स ले आए मेरे लिए।
और दिल्ली जाकर खाली हाथ लौटने की बजाय हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। बहुत बातें बनाने आ गई है ना तुम दोनों को।